ग्राम पंचायत किन्ही में 6 सितंबर को स्कूल से अपनी सहेलियों के साथ लौट रही 16 वर्षीय छात्रा को मौत के घाट उतारने वाले फरार आरोपी किरण मर्सकोले को किरणापुर पुलिस ने पकड़ा, न्यायालय में पेश कर भेज दिया गया जेल। मामला थाना किरणापुर के अंतर्गत आने वाली पुलिस चौकी किन्ही का है, जहां 6 सितंबर को ग्राम कोदोबर्रा निवासी 16 वर्षीय छात्रा पर एक युवक ने प्राणघातक हमला किया था, जिससे छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई थी। हत्या करने के बाद आरोपी फरार था, जिसके लिए नवीन यादव थाना प्रभारी किरणापुर के मार्गदर्शन में एक टीम गठित की गई, जिसका नेतृत्व जुबेर खान किन्ही चौकी प्रभारी ने किया और 24 घंटे के अंदर छात्रा के हत्या के आरोपी किरण पिता मोहनलाल मर्सकोले को गोदरी के जंगल में शाम 7 बजे पकड़ लिया गया। आरोपी ने अपना गुनाह कबूल किया, जिस पर धारा 302 व 341 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आज 8 अगस्त को न्यायालय बालाघाट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। उदोबरा में एक नाबालिग लड़की की हत्या का एक मामला था और उसमें 24 घंटे के अंदर पुलिस को सफलता मिली। क्या रणनीति थी आप लोगों की और आरोपी पकड़ाया था? जब ये घटना कारित हुई उसके पश्चात ही आरोपी फरार था। आरोपी का मोबाइल नंबर उसके परिजनों से प्राप्त किया गया और पुलिस की अलग अलग टीमें बनाई गई। यहाँ भी जहाँ परिजन रहते थे वहाँ पर पुलिस की दबिश दिलवाई गई। उसके दोस्त रहते थे वहाँ भी मुखबिर तंत्र विकसित कर मुखबिर तंत्र लगाया गया और उसकी लगातार मोबाइल की लोकेशन प्राप्त की गई। जो उसकी मोबाइल की लोकेशन गोजरी के जंगल तरफ प्राप्त हुई थी, इसमें वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में अलग अलग टीमें बनाकर उसकी तलाश हेतु टीमें रवाना की गई। जो मुखबिर की सूचना पर कल आरोपी को गोजरी के जंगलों में हमारी टीम पुलिस टीम द्वारा पकड़ा गया और उसके द्वारा जो पूछताछ कर उसने घटना में जो हथियार यूज़ किया था कुल्हाड़ी, उसको भी पुलिस द्वारा जब्त किया गया है और बाकी कार्रवाई कर उसको न्यायालय पेश किया गया। किन धाराओं के तहत अभी उसको भेजा जा रहा है? उसके ऊपर 302 और 341 IPC की धाराएँ लगाई गई हैं। अभी आज जेल भेजा जा रहा है उसको? आज जेल किया जाएगा जी। थैंक यू।